गुड आफ्टरनून एवरीवन स्वागत है आप सभी का आपके चैनल अंडर ट्वेंटी फोर सेवन स्पोकन इंग्लिश पर स्पोकन इंग्लिश अंडर ट्वेंटी फोर सेवन पर जितने भी मेरे दोस्त यहाँ मेरे साथ हैं फटाफट से सब लोग जल्दी जल्दी सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड हाय रवि कुमार तुम पिछले कुछ क्लासेस से गायब थे मेरे ख्याल से आरआरबी का एग्जाम था इसलिए है ना गुड आफ्टरनून समनानी हाय राम निशा श्रेया श्रेयशी माई बैड सॉरी श्रेयशी इज वेर एंड गुड इवनिंग मुझे यू आर स्वीट मैम थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू लॉज ऑफ लव थैंक यू वेरी मच विडियो समथिंग विडियो वेंचर गुड इवनिंग एंड सुप्रीम लेवल आशीर्वाद बच्चे बहुत खुश रहिए एंड चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं आपके आज की क्लास की विनीता अभिनव एंड अदर्स व्यर विद मी पद्मी एंड अदर्स चलो भाई देखो ये होमवर्क हमने दिया था एंड आई एम सो प्लीज टू टेल यू कि 50 से ज्यादा लोगों ने इस पर्टिकुलर टास्क में पार्टिसिपेट किया है विच इज वेरी नाइस लेट मी टेल यू इट्स ऑनेस्टली मैं सोच रही थी कि हार्डली पांच छह कमेंट्स आएंगे चाहे 500 बच्चा वीडियो देखे चाहे हजारों बच्चा वीडियो देखे जब लिखने में ज्यादा लंबा कुछ दे दिया जाता है ना तो uh, तुरंत स्टूडेंट्स जो है बॉदर हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं भाई इतनी अंग्रेजी तो हम नहीं लिख पाएंगे पर बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो एंड uh, एक चीज़ है यहाँ पर किसी ने मुझसे पूछा है कि आपका uh, टेलीग्राम चैनल क्या है यार देखो अगर मेरा टेलीग्राम चैनल है भी ना तो इट्स द मोस्ट यूजलेस पोर्टल फॉर मी मैं यूज़ नहीं करती हूँ खुद भी uh, बहुत मुश्किल से कभी महीने में एक आध बार रिप्लाई कर दिया तो कर दिया सो आई डोंट थिंक कि आपको वहां जाने पर कोई खास फायदा मिलेगा तो आप चैनल के माध्यम से ही अगर टच में हैं तो दैट्स मोर देन इनफ आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि आज हमारे होमवर्क चैंपियंस कौन कौन हैं वर्षा चौधरी यूजर सी पी सेवन जे यू एट एल ओ थ्री वाई अंजलि वन फाइव जीरो थ्री नाउ प्लीज आप लोग सब अपना अपना नाम लिख लिया करिए तो ये यूजर सी सॉरी मैंने अभी किया क्या किया वी सॉरी नहीं आपने कुछ नहीं किया यू कै थैंक यू चंद्रा थैंक यू ओके uh, okay. ये जितने भी लोग हैं इन्होंने बेसिकली डिस्क्राइब करने की कोशिश करी थी इस पिक्चर को एंड इट्स टू लॉन्ग फॉर मी टू रीड बट एक आधा पढ़ लेते हैं देर आर क्लाउड इन शाइनी डे विच मेक्स वेदर प्लेजेंट इन काम एंड अ बिल्डिंग विच लुक्स ब्यूटिफुल दर्किटेक्चर फाइन वर्क इज वेरी गुड एंड देर आर मेनी कंपार्टमेंट एन आर सम grass is creeping over the pillars which gives this building very good look and also the lawn grass giving amazing look the building between the blue and cloudy sky and greenery looks very attractive i think but not sure everyone want to go there once in life uh, uske aage ka maine jo hai shayad se लिया नहीं है वो screenshot में आया नहीं but uh, बहुत ही अच्छी कोशिश एंड द बेस्ट इज कि किसी ने गूगल करके नहीं लिखा है ठीक है तो दिस वॉज ब्यूटिफुल वेरी गुड अटेम्प्ट एवरीबडी जिन्होंने यहां पर लिखा है और जिन्होंने कॉमेंट सेक्शन में लिखा आप सभी को बहुत धन्यवाद ठीक है बढ़ते हैं आगे दोस्तों बात करते हैं आपके आज के सेशन की आज मैं आपको जितने भी वर्ड्स दिखाने वाली हूँ ना ये थोड़े इंटरेस्टिंग है आपको पहले मुझे बताना होगा कि ऐसा कोई वर्ड है भी या नहीं है लाइक डज दिस एग्जिस्ट और ये मैंने सिर्फ बना दिया है तो गूगल करने मत जाना यहीं पर लेट्स प्ले लाइक अ गेम और समथिंग ठीक है I am new student. Please help me for study. Well, this is for job. So, this is not for study. This is for job. अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप बैठिए क्लासेस करिए अंग्रेजी सीखिए अपनी पर्सनैलिटी पर काम करिए एंड uh, ये पहला वर्ड है आपके सामने क्या आपको लगता है ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है हाँ या ना में जवाब <coughs> देर आर लॉर ऑफ यस एंड वेरी फ्यू नो सो लेट मी टेल यू दिस इज डेफिनेटली वर्ड टैर डि ठीक है द प्रोनाशन इज डिडल बोला है ना मैंने जल्दी से बोला डिडल नहीं बोला है मैंने टारा डिडल नहीं बोल रही हूँ सो ध्यान से सुनिएगा टैरा डिडल डिडल ड और लाला जो है उसको बहुत जेंटल बोलना होता है इसका अर्थ हो जाता है कोई भी छोटा मोटा सा हल्का फुल्का सा और बहुत ही मूर्खतापूर्ण झूठ यानी कि कोई ऐसी बात जिसका कोई मोल नहीं है वैल्यू नहीं है मूल्य नहीं है आप कह सकते हैं यूजलेस सा कोई झूठ बोल देना कि यार तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की बस कुछ भी उठाकर बोल दिया अरे कल तो कुछ भूकंप आ गया था मेरा घर गिर गया था तो फालतू सी बात जो बिल्कुल होती है तो उसे हम कहते हैं सच अ टार डिडल नाउ हाउ यू गोइंग टू यूज इन यूज दिस इन दिस इन अ सेंटेंस एवरीबडी आप कहते हैं नो सेन पर्सन वुड मेक अप सच अ टार डिडल कोई भी दिमागदार आदमी सेन पर्सन दिमाग वाला आदमी ऐसा फालतू झूठ नहीं बनाएगा है ना तो वो झूठी कहानियां बनाना तो आप देख सकते हैं वुड मेकअप सच वर्ड्स को लिखिए एंड अगर आप साउंड करना चाहते हैं थोड़ा सा अलग थोड़ा सा डिफरेंट इन दैट केस यू शुड गो ऑन एंड यूज दीज वर्ड्स ओके नेक्स्ट वील सी फ्रेंड लिली फ्रेंड लिली क्या ये कोई वर्ड है इज इट फ्रेंड लिली और इज इट फ्रेंडली वेरी गुड वैष्णवी अच्छा पैशनेट कल्पना आस्था संध्या रिचा माही फ्रेंड लिली होता है फ्रेंडली होता है फ्रेंडली होता है या फ्रेंड लिली होता है बच्चों और लाइव और लाइक में कितना फर्क है एनर्जी बिल्कुल डल है जल्दी जल्दी से शेयर करो सब लोग अपने अपने घर वाले ग्रुप में भेज दो कोई नहीं सीख रहा तो मम्मी लोग को सिखा दो तो इंग्लिश थैंक यू प्रियंका गॉड ब्लेस यू ये क्लासेस सिर्फ थर्टी डेज होंगी इसके बाद हम दूसरी सीरीज स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स वेरी गुड तो बहुत सारे बच्चों ने देखो अब आंसर बदल दिया मैंने कंफ्यूज किया आपको है ना देखो जब हम किसी की विशेषता बताते हैं कि वह बड़ा ही मिलनसार है दोस्ती जल्दी कर लेता है तो हम लोग कहते हैं ही इज वेरी Friendly, he is very friendly. क्या कहते हैं हम लोग He is very friendly कहते हैं Correct? He is very friendly. फ्रेंड friend लिली नहीं कहते हैं लेकिन फ्रेंड लिली भी एक वर्ड है आपको बता दू तो जब ही भी हमें ये कहना अच्छा अगर किसी की क्वालिटी बताई भैया तो हम कहते हैं कि बड़ा ही फ्रेंडली लड़का है बड़ा ही फ्रेंडली बच्चा है जो भी है ठीक है फ्रेंडली लेकिन अगर मैं कहूं कि यार दूर से मुस्कुराई वो मुझे देख करके जैसे कोई दोस्त मुस्कुराता हो एक दोस्त की तरह अगर आपको ये बोलना है कि एक दोस्त की तरह वह मुझे देखकर मुस्कुराई तब आप कहते हैं फ्रेंड लिली ये बेसिकली फ्रेंडली का एडवर्ब हो जाता है बेटा इसको कैसे यूज करोगे जब तुम्हें कहना है इन अ फ्रेंडली मैनर इन अ फ्रेंडली मैनर हाउ स्वीट दुर्गेश ने अपने दादाजी के फोन से भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है बहुत ही शानदार काम किया दुर्गेश इसी बात पर देखिए इसका मतलब हो गया इन अ फ्रेंडली वे एक दोस्त की तरह और उसके बाद सेंटेंस में आप कह सकते हैं ही और शी स्माइल एट मी फ्रेंड लिली सो फ्रेंड लिली आज के बाद कोई बोले तो उसका मजाक नहीं उड़ाना और तुम बोलना दूसरा आएगा तुम्हें कहने ये कोई वर्ड नहीं होता है फिर तुम उनको कहना सुनो ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज हर डिक्शनरी में दिया हुआ है ठीक है ज नॉट कैम्ब्रिज वेल फब्जी डू यू थिंक दिस इज अर्ड फी वर्ड सुन के ही मुझे किसी अच्छा चलो बाद पहले बताओ दिस इज अ वर्ड और नॉट इज दिस राइट वैष्णवी वेरी गुड पद्मिनी स्वाति नेहल रवीना पूनम धीराया पब्जी <laughs> पब्जी जैसा लग रहा है सब्जी जैसा तो नहीं लग रहा है कहीं ज्योति है कुछ वर्ड हो सकते हैं ना अरुण नहीं रहेगा वर्ड तो भी मैं ले आऊंगी आपको कंफ्यूज करने के लिए चलिए फब्जी का मीनिंग यहाँ पर समझते हैं हम लोग फब्जी का मतलब होता है कोई भी मोटू गोलू मटोलू है ना तो फब्जी से पता है मुझे क्या याद आता है कोई क्यूटू जानते भी होंगे फीडो को फीडो इज माय लेब्रोडोर और लैब्रोडोर की एक खासियत होती है वो बेचारे खाना भी बहुत पसंद करते हैं और जैसे खाते हैं तो वो मोटू मोटू हो जाते हैं है ना तो इसका मतलब क्या हो गया फैट एंड स्क्वाट फैट एंड स्क्वाट मतलब की गोलू मटोलू बिल्कुल है ना तो यहाँ पर सेंटेंस में ही पैटर इज फूलिश पब्जी ओल्ड डॉग लैब्रेडोर वैसे तो बड़े बुद्धिमान होते हैं लेकिन थोड़े पगलू भी होते हैं तो उनको फूलिश बोलना इज लाइक नॉट डिमीनिंग और हम प्यार से भी तो बोलते हैं ना कभी कभी फूलिश राइट right? तो यहाँ पर पैशनेट <laughs> यार तुम पढ़ लो बहन ठीक है राधे राधे नवनीत कुमार ही पैटर हिज पैट करने का मतलब थपथपाना तो जब आपका डॉग आपके पास बैठा होता है तो आप कुछ तो करते रहते हो कभी उसका गाल खींच रहे होते हो कभी सहला रहे होते हो उसको तो सहलाने को क्या बोलते हैं टू टू ठीक है to caress, to caress, आगे देखते हैं ही पैटर्ड हिज फूलिश फी ओल्ड डॉग यानी कि मोटू गोलू मटोलू पगलू से डॉगी को पैट किया उसने नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर वर्ड है हमारे पास एप्स ओके दिस इज अग वन सो एप्स

आएगी की भावना बहुत जल्दी आ जाएगी आज ही मोस्टली टू फ्ली और अब्रप्टली लीव अचानक से किसी का भाग जाना बिल्कुल अचानक से कोई भाग गया कहीं से तो आप उसे कहते हैं एब्सक्वाच्यूलेट ही एब्सक्ट्यूलेटेड एब्सकोट्यूलेट का मतलब हो जाता है भाग जाना ये देखिए बिफोर द ने उसे घेर लिया तो यहाँ पर आप कह रहे हैं बिफोर द थीड्सोट्यूलेट सराउंडेड बाय पुलिस ऑफिसर्स नेक्स्ट टाइम तुम्हें कहना है कि मम्मी मैं तो बात कर रही थी अचानक से भाग गया वो इंसान तो दैट पर्सन एब्सकोट्यूलेटेड मामा। ओके वेरी गुड नेक्स्ट देखते हैं दोस्त यहाँ पर एज लास्ट एज लास्ट का क्या मतलब होता है बहुत बुजुर्ग होना हेलो सर बहुत बुजुर्ग होना बहुत ज्यादा उम्र दराज होना क्या ऐसा मीनिंग लगता है आपको होगा फटाफट से पहले शेयर करो सब लोग जल्दी जल्दी से आई फ्लू हुआ है तो कृपया फोन और टीवी और लैपटॉप सब छोड़ करके रेस्ट करिए आंखों को आराम दीजिए ये एक वर्ड तो है लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग है या उम्र दराज है एटसेट्रा दैट डज नॉट मेक एनी हियर एज लास्ट होता है खड़ूस कोई ऐसा इंसान भाई जो मुस्कुराता ही ना हो जो मुस्कुराता ही ना हो है ना तो एकदम जैसे अटका हुआ रहे तुम उसको जाके कोई जोक सुनाओ या तुमने उसे कोई प्यार से बात करी तब भी वो बिल्कुल स्ट्रेट फेस है ना तो बिल्कुल जो लोग एकदम सीरियस रहते हैं हमेशा सा मुंह बनाए रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एज लास्ट ओके okay? यहाँ पर देखिए नेवर लाफ्स और ऐसे लोगों से हम लोग डरते भी हैं करेक्ट हम लोग क्या कहते हैं कि भैया उससे कोई मजाक मत करना ही इज एन एज लास्ट वो क्या है खड़ूस है टैसेड बिल्कुल भी खड़ूस नहीं होता है ठीक है टैसेड इज कम बोलने वाला इंसान ियस कह रहे हैं कि भाई देखो हम टोनी के साथ कोई मजाक नहीं करेंगे वो खड़ूस इंसान है एक नंबर का और वो क्या करेगा नाराज हो जाएगा तो आई प्रैंक टोनी इज एन एज लास्ट ही फ्यूरियस ये आपके सामने आपका सेंटेंस है अब देखो कितने अच्छे मैंने तुम्हें वर्ड सिखाए हैं तो तुम एक काम करो इनको पहले तो नोट डाउन करो और आज से ही करेक्ट प्रोनाशिएशन में बोलना भी शुरू करो ठीक है ना जी हाँ बिल्कुल वीडियो को लाइक करके फटाफट फड़ सब लोग शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और जो लोग भी अंकल को एज लास्ट बोल रहे हैं अपने अंकल को पापा को चाचा को दादाजी को जो भी खड़ूस बोल रहे हैं मैं बता दूंगी तो उनको बताने के लिए भी आप जरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा उनके फोन से ठीक है चलिए अब ये तो आपने सीख लिया वी और नाउ ठीक है ठीक है ठीक है ओके यासमीन टेंस आपका uh, कल की क्लास से शुरू हो रहा है ऐसे we'll नहीं बोलते हैं सुप्रिया ठीक है ओके <laughs> okay. अब देखते हैं भाई सेंटेंसेस टू टैकल रूडनेस कुछ लोगों को ना परेशानी होती है कि वो कभी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर देंगे कभी वो तुम्हारे साथ मतलब खराब तरीके से बात करेंगे तो इंग्लिश में फॉर्मल सिचुएशन में आप अपनी इंसल्ट को या लोगों की रूडनेस को कैसे हैंडल करें बिना लड़ाई झगड़ा किए देखो एक बात हमेशा याद रखना सामने वाले ने तुमसे बदतमीजी से बात करी तो क्या तुम भी बदतमीजी से बात करोगे ऐसा कभी मत करना क्योंकि आने वाले वक्त में ना उसने क्या बोला लोग वो भूल जाएंगे तुमसे क्या सवाल पूछा गया लोग वो भूल जाएंगे तुमने क्या जवाब दिया वो रिकॉर्ड हो जाएगा राइट right? तो तुम हमेशा अच्छे से बात करना और अच्छे से बात करने के लिए सबसे पहला सेंटेंस है मान लो कि तुमसे किसी ने जबरदस्ती कोई रूड बात करी तो तुम उनको जवाब दे सकते हो कुछ इस तरह से ध्यान से मेरे साथ रीड करिएगा इसको आई अप्रिशिएट ओपन एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन सो लेट्स कीप द कॉन्वर्सेशन कंस्ट्रक्टिव यानी कि पॉजिटिव बातें करते हैं I appreciate open and respectful communication. यानी कि मुझे इज्जत सम्मान से की जाने वाली communication पसंद है Let's keep the conversation constructive. मैम मैं तो अपने से बड़े के सामने नहीं बोलती रोना आ जाता है देखो मैं इस चीज के भी समर्थन में नहीं हूं आप बोलें, लेकिन आप बात कायदे की बोले बदतमीजी करना तो किसी चीज का सल्यूशन नहीं है ढंग की बात बोलिए ठीक है और जल्दी जल्दी एक बार सब लोग फटाफट शेयर करो तो इसको ठीक है समनानी चलो ये देखो Your opinion is your own and I respect that. But I won't engage in negative exchanges. देखो हो सकता है कि यार मैं किसी को पसंद ना हूं या तुम किसी को पसंद ना हो और जरूरी नहीं है कि हर इंसान हमें पसंद करे करेक्ट तो हम उसको क्या बोलेंगे प्यार से बोलेंगे Your opinion is your own. आपकी सोच आपकी है एंड I respect that. और मैं उस चीज का सम्मान करती हूँ बट I won't engage in negative exchanges. पर मैं किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातों का हिस्सा नहीं बनूंगी कृपया सेंटेंसेस लिखिए और हाँ एक काम करिए बोलिए मेरे साथ है ना ओपिनियन होता है ओपिनियन कुछ नहीं होता है ठीक है <coughs> भावना मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया है बार बार लिखने का क्या मतलब है उस चीज को मी एंड माई मॉम आर वॉचिंग योर वीडियो How स्वीट सनफ्लावर थैंक यू in others with kindness and respect, even in difficult situation. बदतमीजी कर रहा है और तुमने उसको क्या कहा प्यार से कहा कि मैं पसंद करती हूं लोगों को सम्मान के साथ हैंडल करना ट्रीट करना चाहे कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो तो ये सेंटेंस आपको वही सिखा रहा है आई बिलीव इन ट्रीटिंग अदर्स विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट

ठीक है उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम भाई किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का हिस्सा नहीं बनेंगे तो ये सभी सेंटेंसेस आप ध्यान से देखें ठीक है शुभम सर ऐसी दिखती है एक अच्छी टीम आप लोग को तो आदत नहीं होगी ना <laughs> <laughs> शुभम सर की टांग खींच रही हूं मैं आप लोग के चहीते शुभम सर जो है आ चुके हैं स्टूडियो में लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अ मोर पॉजिटिव टोन एंड एड्रेस एनी कंसर्न्स इन अ प्रोडक्टिव वे आपको बताया जा रहा है दोस्त यहां पर कि आप सामने वाले को कह रहे हो यार कि एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं ठीक है और बात करते हैं यहां पर हम किसी भी प्रोडक्टिव मुद्दे पर क्या नकारा, नकारात्मकता में हम जो है नहीं इन्वॉल्व होंगे देखो बच्चे खुश हो गए शुभम सर का नाम सुन के

काफी चीजें फॉर्मल सिखाई हैं। मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार ऑफिस जाओगे तो क्या चीजें तुम्हारे काम आ सकती हैं। यू नो ऑफिस में ही ऐसा माहौल अगर कभी बनता है और तुम पोलाइटली रिस्पॉन्ड करते हो तो तुम समझ लेना की तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा है ठीक है तो आज ऑफिस से ही जुड़ी कुछ बातों पर जरा चर्चा करेंगे और मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सीनियर पवन सर को यहां पर जो कि एक बहुत ही अमेजिंग मैं कहती हूं ना इस चैनल पर आने का मतलब है नौकरी तो नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत सॉलिड चीज आप लोगों के लिए आ रही है फटाफट से शेयर कर दो और बहुत ध्यान से ये बातें सुन लेना सर प्लीज कहा है हाँ 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 ये तो हो गया है सर यस Uh, है। आप खोल नहीं है क्या हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंटो जैसे कि देखो स्पोकन uh, एक अपने आप में स्किल है ऐसे ही uh, yeah, बहुत सारी चीजें जो है वो एज ए स्किल आपको अपने अंदर पैदा करनी चाहिए अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको अपने आपको सीखनी चाहिए क्या क्या स्किल्स हम लोग आपके लिए डिजिटल जो स्किल्स अड्डा है वहाँ पे लेकर गए हैं हमारा एक यूट्यूब चैनल है अड्डा कंपनी का ही है स्किल्स अड्डा टू फोर सेवन ठीक है आप इसको ओपन करके देखो यहाँ पे एट थाउजेंड सब्सक्राइबर भी हैं और यहाँ थ्री हंड्रेड एटी फाइव लोग देख रहे हैं वो भी इसमें जुड़ जाएंगे तो और एड ऑन हो जाएंगे और ये बहुत सही दिख रही है तो आपको ओपन करना है अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है बिल्कुल तो कंप्यूटर सीख सकते हो आप इस चैनल से जीरो टू प्रोफेशनल यानी कि अगर आप कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं जानते ये जानते भी हैं नॉलेज भी है और एक और चीज़ स्किल तो आएगी आएगी इसके साथ गवर्नमेंट जॉब के एंगल से भी आ, अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आप एग्ज़ाम भी क्रैक कर पाएंगे इसको पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ जैसे इनपुट डिवाइसेस है ना इसकी जरूरत पड़ती है इनपुट डिवाइसेज़ है तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है इन दी गई लिस्ट में से कौन से इनपुट डिवाइस है तो आपको वो भी आ जाएगा तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी साथ ही साथ कंप्यूटर भी आ जाएगा इसके अलावा एक्सेल का कोर्स भी जो प्राइवेट गवर्नमेंट पर्सनल लाइफ शॉप कई जगह मल्टीपल जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है अब हम आते हैं चैनल के अंदर चैनल पे आकर के आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है उसके बाद क्या है यहाँ पर आप देखोगे वीडियोस वीडियोस की कैटेगरी में आपको मिलेंगे कंप्यूटर के एक्सेल के और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर तो सीखने के एंगल से बहुत सारी चीज़ें आ करके आप इस वीडियो के यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करिए वहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अच्छी अच्छी और इसके के अलावा आपको क्या करना है जैसे कि आ, इसके कुछ कोर्सेज भी हैं जो स्किल के जिसमें सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे आप लोगों को तो सबसे बढ़िया है जैसे कि आप बैंक में बैंक महापैक लेते हो तो यहाँ पर हमारा है स्किल महापैक स्किल महापैक के अंदर क्या है दस से ज़्यादा कोर्सेज यहाँ पर बने हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ okay. दस से ज़्यादा हैं जहाँ पर स्पोकन इंग्लिश यानी कि अगर इसको लेते हो तो स्पोकन इंग्लिश जो मैडम का वो तो मिलना ही मिलना है आपको ठीक है स्पोकन मिल गया पावर पॉइंट मिल गया एस है यूट्यूब कैसे चलाया जाता है कैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होती है कैसे रैंक कराई जाती है वीडियो सारी चीजें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंग्लिश वो कैब एमएस एक्सल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पूरा कोर्स पाइथन कोडिंग पावर बी ग्राफिक्स से डेटा एनालिटिक्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है इंटरव्यू प्रिपेशन मशीन लर्निंग ये सारी की सारी चीज मिल रही है और मैं इसको तो लोगों को रोज समझाती हूँ कि अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है ना यार

और देखिए पहले जो वन टू फोर नाइन वैसे ओवरऑल प्राइसिंग के बाद कुछ का था इस वीडियो के लिंक में हम डिस्क्रिप्शन भी अभी लगवा देंगे ठीक है वहां से जाकर के ले सकते हो देखो स्किल महापैक में दस चीजें हैं इनमें कई कोर्स ऐसे जिनके आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे कोर्स कम्पलीशन के तो सर्टिफिकेट भी मिल गया स्किल्स भी आ गई और जॉब भी मिल सकती है अगर आप इंग्लिश ही अच्छा बोल लेते हैं एक्सल ही चला लेते हैं पावर भी एक भी कोई भी स्किल एक सीख लो आपको कहीं पे भी प्रूवन फैक्ट है हाँ और मैं हाँ बहुत जल्द इंटरव्यूज डालने मैं वाली हूँ। मैं भी कुछ हमारे कुछ कैंडिडेट्स का मैं भी कुछ इसमें ऐड करूंगा है आप कह रहे हैं जॉब मिल सकती है हाँ। मेरे भाई आज अगर आप देखते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का स्पोकन का बहुत स्कोप है यार आपका चाहे वो बैंकिंग का ही इंटरव्यू क्यों ना हो अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं ठीक है से लेकर कर, आप अगर आप जाते हैं किसी भी अपने ऑफिस में ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोविजनरी पीरियड में होते हो स्टार्टिंग में इनिशियल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है बाहर का रास्ता भी दिखाया जाता है जैसे सर ने बड़ी अच्छी चीज दिखाई मैं देख रहा था पहली बार मैंने मैम देखा ये है ना और उसमें क्या कुछ नहीं है कहाँ गया वो जो दिखा रहे थे आप लोग ये क्या कुछ नहीं है स्पोकन इंग्लिश बेस्ट है ये सबको आना चाहिए कल के दिन जब आप मैनेजर बनेंगे ना तो आपके जो झूठ नहीं बोलेंगे लेकिन जब हमने आज से करीब साढ़े आठ नौ साल पहले इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी ना बाकी अपना सब्जेक्ट आता था लेकिन यार ठोकर खा खा के और खासकर पवन सर की हाँ, मदद से, बिल्कुल बहुत ज्यादा मदद मिली पॉइंट हो जाए

को बहुत सपोर्ट किया है पावर पॉइंट पे टेक्नोलॉजी पे आ, और आज बहुत बड़े बड़े लेवल पे लोग लोग हाँ, लोग बिल्कुल सर बहुत बड़े लोग बने लोग सर सर बहुत बने सब हैं एक चीज़ मैं और बताता हूं सर, यहां पर जो चीज़ें आप दिखा रहे हो एक्सेल आज हर एक ऑफिस की डिमांड है यार पूरा ऑफिस चल रहा है इससे बॉस पूरा ऑफिस चल रहा है ये जो वाई टी एस है आपको पता है मैम कि जैसे कि हम कहते हैं स्किल क्रिएट करना तो आप अपने काम के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो कि सिलेक्शन के बाद अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जी सर और उस चैनल को ग्रो करने के लिए मात्र आपके कंटेंट मतलब जो आप दे रहे हैं वो ही केवल सफिशिएंट नहीं है उसके पीछे होता होता है है फुल फॉर्म सर क्या होता? सर्च, सर्च, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन राइट तो ये इसका कोर्स बड़े अच्छे लेवल पे होता है शॉर्ट डालना चाहता है कहीं जैसे कितने स्टूडेंट्स है वो पैरलग्राम चैनल है बिल्कुल बिल्कुल तो ये सब भैया तुम लोगों को लिटरली सर इतनी सॉलिड क्लासेस एग्जैक्टली बड़ा चैनल है हमारे पास कम से कम चार से पांच चैनल ऐसे हैं जो कि मिलियन प्लस सब्सक्राइबर एक्जेक्टली तो आपको क्या लगता है कि हमारे वीडियोस क्यों क्रॉल करते हैं कभी ट्रेंडिंग में है कभी मिलियन हाँ. में है क्योंकि हमारी कंपनी का जो एस देखता है वो बंदा बहुत सॉलिड है और वही बंदा जब तुमको क्लास एग्जैक्टली exactly. तो क्या करियर नहीं बनेगा एग्जैक्टली exactly, मैं हाँ. वही कहना चाह रहा हूँ आज पता है आपको एस नामक एक ऐसा मतलब शब्दावली बन गया है जो कि आज हर एक इंडस्ट्री आप चाहे कोई भी इंडस्ट्री उठा लीजिए चाहे हेल्थ में हो या फिर कॉर्पोरेट में हो हर एक व्यक्ति अपने आपको जो प्रमोट कर रहा है वो डिजिटल वे में कर रहा है अपना खुद का उसका वाई चैनल है राइट सो उसके लिए वो लोग हायर करते हैं यार एस को हायर करते हैं और पता है एसओ का बहुत अच्छा खासा एक पैकेज होता है ऐसे वैसे में एस नहीं आता

तेरह अगस्त को है पाँच से सात में लाइव कम्युनिकेट होंगे हम लोग एक्सेल तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा आप लोगों को इसके अलावा भी आपके मन में मार्केटिंग को लेकर डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के या ऑनलाइन इंडस्ट्री या स्किल्स से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो हम सामने आमने सामने बैठेंगे टू वे कम्युनिकेशन कर रहे होंगे और पूरे डाउट क्लियर करूंगा देखो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेशन करो तो बहुत बढ़िया है ही है तेरह अगस्त को कर करें बच्चे कह रहे एग्जाम है उस दिन शाम को पाँच से सात है शाम को पाँच से सात है और कैन वी चेंज दिस डेट नहीं अभी तो, तो लॉन्च हो चुका है बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है तो, तो, पर इसकी तो हाँ तो इसकी रिकॉर्डिंग भी इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको तो मिलेगी आपको तो एक महीने तो तक और इसके अलावा आप हमारा स्किल जो चैनल है पे पे आइए डेली बेसिस आपको तो नए नए हमारे मिलेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी स्किल्स मिलेंगी रोज कहती यार तुम लोग परेशान मत हुआ करो नौकरी पाने के बहत्तर तरीके हैं अंदर दम होना चाहिए और आप देख रहे हैं कि पूरा अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन इस पर जुटा हुआ है की तुमको सरकारी चाहिए तुम सरकारी लो उसमें कोई पीछे नहीं है सुबह से लग जाते हैं आप लोग क्लास लेने में राइट और अगर तुम्हें सरकारी भैया नहीं मिली कोई बात हो गई परेशानी हो गई बच्चों के ऊपर इतना बर्डन होता है आज की डेट में तो तुम प्राइवेट पकड़ो लेकिन पैसे कमाने के लायक बन जाओ दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट सर सर हाँ मैं बस क्लास में ये बोलूंगा कि भाई लिटरली बता रहा हूँ सोचो मत ये ऐसे चेहरे हैं आपके सामने ओदिशा मैम समझ रहे हो ना और पवन सर है ना जिनको हम हम जिनको एग्जैक्टली exactly, क्योंकि ये हम लोग को पढ़ा चुके हैं यार मेरे कहने पे अगर मुझे इतना सा भी मानते हो ना मेरे भाई है ना तो यार प्लीज ये जो है ना इसको लेकर के ना एक बार अपने अंदर स्किल्स क्रिएट करो ना यार तुमको कौन बाहर करेगा भाई तुम कहीं भी जाते हो इंटरव्यू देने कहीं भी जाते हो आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाए आपको परखा जाता है आपके काम से और आपके बोल चाल से तो सब कुछ आपको परफेक्ट एक जगह मिल रहा है हज़ार ग्यारह सौ रुपये का है ठीक है और मैं देखता हूँ मार्केट में आज अगर जाओ मुझे याद है मैम कि मैं दो हज़ार आपको नौ के बाद बताता हूँ मैं उस समय स्पोकन सीख रहा था तो उस समय जो ट्यूशन फीस हुआ करती थी बाकी अदर कोचिंग से स्पोकन ज़्यादा महंगा हुआ करता था, था।, था। तो फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ लेते थे यार मेरे को आज देख करके वो दिन याद आया ठीक है और क्या था क्या नहीं था ठीक है अच्छी अपनी जगह वो अलग है लेकिन यार मैं कहूँगा गाइस ट्रस्ट करिए इन फेस के ऊपर और जो इसके पीछे हैं जैसे एस के लिए मिस्टर अंकित बताया अंकित खोला बताया और टीम okay. uh, okay. so, मतलब है कि हम कोई जो भी इंडस्ट्री का हुँ, हुँ, ना हम एंगेज करते हैं आप देखो सर कंपेयर कर रहे आज की डेट में एक एक घंटे की वर्कशॉप करते हैं लोग पाँच सौ रूपए बिल्कुल करते हैं करते हैं वो किया ही नहीं क्यूँकी मैंने जब चैनल छोड़ा था उसी वक्त मेरा डिस्कशन आप लोग के साथ हुआ था कि यार इट्स अबाउट गेटिंग अ जॉब इन योर हाउस क्या बात तो है उसके है। लिए ये कदम उठाया ट्वेंटी फोर सेवन ने आप लोगों का फेथ रहेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे तो भाई इस इस वर्कशॉप में इस चैनल पे इस महापैक में आपके गुरुओं के गुरु हैं यार <laughs> गुरु के गुरु ही है, है टेलीग्राम पे स्किल्स अड्डा तो सर्च कर सकते हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है काम करवाइए ना यहाँ पर वर्कशॉप की स्किल महापैक की और टेलीग्राम ग्रुप की आज के जो सेशन है ना उसके कॉमेंट में पिन करवा दीजिए हम लिंक पिन करा देते हैं आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से परचेज कर सकते हैं और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार मुझे बहुत मजा आ रहा है और तुम लोग को बहुत मजा आने वाला है <laughs> हाँ मैम मैं बिल्कुल खो गया हूँ आप लोग इस इसमें यार बच्चों को मैं पता मैम मैं सोच रहा कहा किस एंगल से सोच रहा हूँ मैं इस एंगल से सोच रहा हूँ कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं मैम सबका सिलेक्शन देखा जाता है कि किसी वजह से रह जाता है और वो आर्थिक रूप से घर की वजह से इतना परेशान होते हैं तो फिर देखते हैं अब उनके पास बचा क्या उन्होंने केवल बी किया बी एस किया है कोई टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं मैम तो यार मैम वो बहुत परेशान होते हैं और ये जितनी चीज आप लोगों ने दिखाई ना ये सारी के सारी काम किए हैं तो आई थिंक यार आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए भाई किसी को दिक्कत मुझे फोन करना मुझे मैसेज करना मैं ज्वाइन कराऊंगा यार बस <laughs> जो सच में आर्थिक रूप से तंगी में है कि नहीं यार सर मैं नहीं कर सकता या मुझे चाहिए फिर भी नौकरी नहीं है तो आई एम दियर फॉर यू ऑल ठीक है दीदी आपके है यहाँ पे ठीक है पवन सर भी आप इनको पहचानी लीजिए ठीक है तो कोई दिक्कत समस्या इनसे मिली है इनसे लेकिन हाँ इस पर्टिकुलर चैनल को मैं चाहता हूँ आगे आने वाले हमारे एक में, भारत वर्ष का सबसे बड़ा स्किल का चैनल बनना चाहिए ये मेरा सपना है एक साथ मिलके देखते हैं पूरा भी करेंगे यार ठीक है थैंक 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 यू 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 सो यू सो यू सो मच सो मच मच शुभम सर और सर भी आपके भलाई के लिए सोच रहे हैं इसीलिए वो इतने पैशनेट होकर के ये बात आपसे कह पा रहे हैं बहरहाल उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को खुद के लिए भी समझेंगे शुक्रिया दोस्तों जुड़ने के लिए फिर मिलेंगे आपसे कल शाम साढ़े चार बजे दवाए ठीक है